वेलकम टू द चैनल क्वेश्चन आंसर, जहां पे आपको मिलते हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स जो कि लड़का है उसे क्या प्रिपेयर करना था स्कूल के लिए। That day friends was expected to be prepared with participle. उसे क्या prepare करना था? Participle prepare करना था, क्योंकि M. Hamel उसका test लेने वाले थे। Next question की तरफ बढ़ते हैं। What did friends notice that was unusual about the school that day? Usual means होता है जो चीज रोजमर्रा होती है, और unusual मतलब जो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उस दिन unusual क्या हुआ था? Usually when school began, there was lots of noise. जब भी स्कूल शुरू होता था बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। Noise from the school could be heard out in the street. और जो शोर था वो इतना आता था कि जो पास वाली गली थी उसमें भी उसका शोर आता था। But that day there was no noise at all. लेकिन unusual क्या था? उस दिन कोई भी शोर बाहर नहीं आ रहा था। Everything was as quiet as Sunday morning. और सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना शांत था जैसे कि संडे को जब स्कूल नहीं लगता उस दिन शांति होती है। नेक्स्ट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आपको पता होगा कि कुछ ऑर्डर्स आए थे और वो किस पे लगे हुए थे? बुलेटिन बोर्ड पे लगे हुए थे। पहले मैं आपको बुलेटिन बोर्ड दिखा देता हूं जो कि चैप्टर में दिखाया गया है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। मैं इस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे चैनल इंग्लिश बाबा पे है। तो क्या आया था बुलेटिन बोर्ड पे, क्या लगा हुआ था? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ गए थे टू टीच ओनली जर्मन, कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, क्योंकि आपको पता है जर्मन और फ्रेंच में लड़ाई चल रही थी जिसमें जर्मन जीत गया था। तो जर्मनी ने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि भैया अब हमारी वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तुम्हारे एल्सेस में और लॉरेन में। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जर्मन्स लोगों ने ये जो उस टाइम पे फेसबुक व्हाट्सएप न्यूज आज तक वगैरह ये तो होता नहीं था, इस तरह के शहरों के बीच में बुलेटिन बोर्ड लगा दिए जाते थे, जो भी ऑर्डर जो भी आदेश आते थे वो यहाँ से लोगों को मिलते थे। चिल्ड्रन, अगर आप हमारे चैनल क्वेश्चन आंसर पे पहली बार आए हो तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपसे हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उनकी वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज द फॉलोइंग चेंजेस। देखो, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, मैंने क्वेश्चन के अंदर से ही मैं आंसर बना रहा हूं। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ये उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो क्या 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 चेंजेस आए थे? नंबर 1, एम हेमेल वॉर द ड्रेस विच ही यूज टू वेयर ऑन स्पेशल डेज। एक तो ये चेंज आया, एम हेमेल ने उस दिन वो वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो वो स्पेशल डेज पे पहनते थे, है ना। द होल स्कूल विच यूज टू बी वेरी नोइजी वॉज वेरी पीसफुल। दूसरा चेंज ये आया कि जिस स्कूल से इतने शोर शराबा इतना नोइज रहता था वो स्कूल बिल्कुल शांत था। तीसरा, इवन द ओल्ड विलेजर्स हैड कम टू अटेंड द क्लास दैट डे एज इट वॉज द लास्ट सेशन बाई एम हेमेल। और उस दिन गाँव में जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे वो भी उस दिन क्लास को अटेंड करने आए थे, क्योंकि उस दिन वो आखिरी दिन था एम हेमेल का। तो ये सारे चेंजेस आए थे। चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिले तो आप इंग्लिश बाबा 123 पे जाके हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। आपको पता होगा जो फ्रेंड्स है वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, पढ़ाई से जी चुराता था, अपने टीचर को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसे डांटते थे, कभी कभी उसकी पिटाई लगाते थे। लेकिन उसकी जो फीलिंग है एम हेमेल के लिए और स्कूल के लिए चेंज कैसे हो गए। Friends came to know that it was the last lesson by M. Hamel. जैसे ही friends को पता चला कि आज मेरे teacher का आखिरी दिन है, from the next day they will be taught only German. और जब उसे ये पता चला कि अगले दिन से केवल उन्हें German पढ़ाई जाएगी, then he felt sorry for not learning his lessons properly. उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसने अपना बहुत सारा time waste किया और उसने कभी भी अपने lessons नहीं पढ़े. His books which seemed burden earlier were now old friends. और उसकी वो किताबें जो उसे पहले बर्डन लगती थी, वजन लगती थी, आज उसे वो बहुत अच्छी लग रही हैं। His feelings about M. Hamel also changed. और उसकी जो फीलिंग है M. Hamel को लेके, अपने टीचर को लेके, वो भी बदल गई। He forgot all about his ruler and how strict he was. और उस दिन वो सब कुछ भूल गया
कि जो उसका टीचर था वो कितना रूलर से पिटाई करते थे जब उसकी, और वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। सो चिल्ड्रन, ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। अब है क्वेश्चन टाइम, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में जो टेस्ट होने वाला था वो कौन से टॉपिक पे होने वाला था, ए बी सी या डी, इसका आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में। सो चिल्ड्रन, आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।